बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले FM WhatsApp के लेटेस्ट वर्जन 9.50 के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि इसका न्यू अपडेट आ चुका था और मैंने आप लोगों को बता भी दिया था कि किस प्रकार से आपको अपडेट करना है। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पर क्या क्या फीचर ऐड किए गए हैं। इन सभी फीचर के बारे में मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं, तो बने रहेगा वीडियो के साथ में। कहीं पर वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो चलिए ज़्यादा देर करके वीडियो को शेयर करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग YouTube पर ऐसी वीडियो बना देते हैं जो गलत होती है, जो फीचर आए भी नहीं होते हैं, जो अपडेट में आए भी नहीं होते हैं, उसके बारे में बता देते हैं। बस वो अपने थंबनेल में कुछ भी लिख देते हैं और उसके बाद में वीडियो के अंदर वो कुछ भी बता देते हैं। अगर आप उन लोगों से ऐसे परेशान हैं तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, और उससे हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं आप लोगों के ऐसे ही कंटेंट देता रहूँगा, जो जेन्युइन होगी, जो सही जानकारी होगी, वही सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए ज़्यादा देर करके मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या फीचर ऐड किए गए थे। जैसे आप यहाँ पर राइट साइड में क्लिक करते हैं और FM मोड्स पर क्लिक करते हैं और नीचे आप यहाँ पर आते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर 9.50 ये आपका लेटेस्ट वर्जन है। अभी तक आपने अपडेट नहीं किया है तो आपको हम वीडियो के लिंक दे देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर नीचे आएंगे तो अपडेट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, और मैं आपको यहाँ पर चेक करके दिखा देता हूँ कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या फीचर ऐड किए गए हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर इतने सारे फीचर ऐड किए गए हैं और यहाँ पर कुछ फीचर हैं जो इनेबल किए गए हैं। इन सभी फीचर के बारे में मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जो ट्रांसलेट के आइकन को बात की गई है, मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ से बैक होता हूँ, और बैक होने के बाद जैसे आप यहाँ पर बैक खोल लेते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो, मैंने यहाँ पर हेलो लिख दिया, और जस्ट यहाँ पर आप उसके बगल में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर एक आइकन देखने के लिए मिल जाता है ट्रांसलेट का, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर बहुत सारे फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं, जिस लैंग्वेज में आप यहाँ पर ट्रांसलेट करना चाहें कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको हिंदी में करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हेलो लिख चुका है। आप किसी को भी ऐसा सेंड कर सकते हैं। अब इतना करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर जो दूसरा चीज़ दिया गया, जो दूसरा सेकंड अपडेट दिया गया है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा अपडेट यहाँ पर ये दिया गया है कि यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर आपके मैसेज स्क्रीन पर जब भी आप किसी को मैसेज करते हैं तो जस्ट यहाँ पर बगल में जो ट्रांसलेट का आइकन यहाँ पर आता है, आप इसको हाइड कर सकते हैं, आप इसको हटा सकते हैं। दूसरा अपडेट यहाँ पर ये किया गया, कैसे कर सकते हैं आप इसको, यहाँ पर आपको राइट साइड में थ्री डॉट पर क्लिक करना है, इसके बाद में आपको यहाँ पर FM मोड्स पर क्लिक करना है, यानी FM मोड्स पर क्लिक करना है, और उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है कन्वर्सेशन स्क्रीन, आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है कन्वर्सेशन एंट्री स्टाइल, आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन पे, या जो ट्रांसलेट का ऑप्शन आ गया है, आपको इसको ऑफ कर देना है। आप यहाँ पर ऑफ कर देंगे तो आप यहाँ पर बैक खोलेंगे, बैक होने के बाद आप यहाँ पर किसी से एडिंग करेंगे, और यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ पर हेलो एक बार फिर से लिखता हूँ, तो आप यहाँ पर जस्ट बगल में आप देख सकते हैं ये ट्रांसलेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर आप फिर से उसको लाना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर जाकर के फिर से इनेबल करना होगा। चलिए हम बात करते हैं आज के थर्ड नंबर अपडेट के बारे में, इसमें क्या चीज़ अपडेट किया गया है। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, वरना आप लोगों को यकीन नहीं होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे मैं यहाँ आ चुका हूँ, आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इनेबल किया गया है मैसेज योर सेल्फ सेव नोट्स। अब यहाँ पर ये होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए आप कहीं नोट्स बनाते थे अपने अलग से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में, तो उसी प्रकार से आप यहाँ पर अपने व्हाट्सएप पर अपने योर सेल्फ यानी अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं। जैसे कैसे बना सकते हैं आपको मैं इसके बारे में भी बता देते हैं, आपको यहाँ पर ये ऑप्शन कहाँ पर मिलेगा। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स कि आप यहाँ पर आ चुके हैं, आने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर नीचे के साइड में आपको यहाँ पर एक प्लस का आइकन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट जो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है मैसेज का ऑप्शन, आपको उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, न्यू ग्रुप और दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं न्यू कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पर फ्रेंड्स न्यू कॉन्टैक्ट जो ऑप्शन यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, आप अगर इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाना चाहिए जो नहीं मिलता। चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये न्यू कंटेंट इस प्रकार किया गया, तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं मिलता। आपको मैं थोड़ा सा बैक होता हूँ, और बैक होने के बाद आपको यहाँ पर फिर से समझाता हूँ। यहाँ पर आपको न्यू ग्रुप और उसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है न्यू कॉन्टैक्ट, और उसके जस्ट यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाए। इन लोगों ने बता तो दिया है कि यहाँ पर हमने अपडेट कर दिया है, इनेबल कर दिया है, लेकिन यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं इनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है न्यू अपडेट के बाद में, ये सॉल्व हो जाएगी, मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा मैसेज योर सेल्फ, यानी आप यहाँ पर अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं, आप अपनी फोटो रख सकते हैं, अपनी वीडियो रख सकते हैं, अपने मैसेज रख सकते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर फिलहाल अभी ये फिक्स नहीं कर पाए, लेकिन चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ जो आज के कुछ और फीचर है उनके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो थर्ड नंबर का यहाँ पर इन्होंने फीचर इनेबल किया था, जो यहाँ पर ये शो कर रहे हैं कि इनेबल हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अभी व्हाट्सएप में ये प्रॉब्लम आ रही है। चलिए हम बात करते हैं आज के यहाँ पर फोर्थ नंबर के बारे में। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फोर्थ नंबर आपको यहाँ पर दिया गया है फॉरवर्ड मीडिया विथ कैप्शन। ये क्या होता है आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। आप यहाँ से बैक खोलेंगे,
बैक होने के बाद आप यहाँ पर होम स्क्रीन पर आ जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मान लीजिए अब आपको यहाँ पर क्या करना है, किसी को कोई फोटो भेजनी है, अपनी खुद की कोई फोटो भेजनी है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर आप कोई एक फोटो सेलेक्ट करते हैं। चलिए मैं यहाँ पर कोई फोटो ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं कोई अपने फोटो ले लेता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैंने यहाँ पर अपनी कोई फोटो ले ली है। इस प्रकार से लेने के बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कुछ यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो गाइस, मैं यहाँ पर लिख दिया। और यहाँ पर कुछ लोगों को लगा सकते हैं, जो भी यहाँ पर लगाना चाहें ऐसे इस प्रकार से लगा सकते हैं। और उसके बाद में फ्रेंड्स आप यहाँ पर क्या करते हैं, आप इसको यहाँ पर सेंड करते हैं इस प्रकार से। अब आप यहाँ पर सेंड कर सकते हो, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर फोटो और जस्ट उसके नीचे आपको यहाँ पर जो हमने मैसेज टाइप किया है ये कैप्शन में आ चुका है। अब यहाँ पर ये आ चुका है, अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ चुकी है। अब यहाँ पर मान लीजिए आप यहाँ पर किसी को शेयर भी करते हैं आप इस प्रकार से, ऐसे यहाँ पर किसी को शेयर करेंगे तो इसे साथों साथ इसके सेंड हो जाएगा। तो ये इसके साथ में ये इनेबल कर दिया गया, ये आपका वर्क कर रहा है। अब चलिए हम अगली फीचर के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जो अगला फीचर ऐड किया है, जो इनेबल किया है, वो है न्यू कैमरा टैब UI। आप यहाँ पर जैसे होम स्क्रीन पर आ जाते हैं तो आप यहाँ पर ऊपर के साइड में आप यहाँ पर जस्ट थ्री डॉट लाइन के जस्ट बगल में आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर न्यू कैमरा टैब UI आ जाता है। आप इस पर यहाँ पर क्लिक करते हैं और डायरेक्ट ये आपका कैमरा ओपन हो जाता है। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये फीचर इन्होंने इनेबल कर दिया है। चलिए हम यहाँ से बैक होते हैं और अगले फीचर के बारे में आपको बता देता हूँ। तो अगला फीचर यहाँ पर क्या है, सबसे पहले वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फीचर दिया गया है, यहाँ पर जो अगला फीचर आपको यहाँ पर दिया गया है पोस्ट वाइज नोट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं एज स्टेटस एंड स्टोरी। तो इसको इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आप यहाँ पर किसी का चैट ओपन कर लेते हैं और चैट ओपन करने के बाद आप यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर किसी को कोई वॉइस मैसेज सेंड करते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं कोई वॉइस मैसेज रिकॉर्ड कर लेता हूँ, आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर वॉइस मैसेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस समय, यहाँ पर किसी को सेंड कर देते हैं। अब इतना सेंड करने के बाद आप इसी को चाहते हैं डायरेक्ट व्हाट्सअप के स्टेटस पे लगाना, तो यहाँ पर ये क्या होगा, इसको सेलेक्ट करना होगा इस प्रकार से। और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, फॉरवर्ड वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर माई स्टेटस का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, आपको उस पर क्लिक करना है और ये आपके स्टेटस पर लग जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारे जितने अपडेट आए थे मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते किसी नए टॉपिक से नई वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।